हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। 2022 तक बियर से भी चलने लगेंगी कारें। अब तक आपने लोगों को ही बियर पीते देखा होगा, मगर 2022 तक आपकी कार भी बियर पीने लगेगी। एक रिसर्च से पता चला है कि ऐसा संभव है। ईंधन की समस्या से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं, और अगर ऐसा संभव हुआ तो यह समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने पाया कि बियर में पाए जाने वाले एथेनॉल को ब्यूटेनॉल में बदला जा सकता है, जो कि पारंपरिक ईंधन का एक बढ़िया विकल्प है। दुनिया के कई देश पारंपरिक ईंधन की जगह ब्यूटेनॉल को अपना रहे हैं। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई कि वह दिन दूर नहीं जब बियर से इस तरह का ईंधन बनाया जा सकेगा। उनके मुताबिक 2022 तक यह संभव हो सकता है। हालांकि एथेनॉल ईंधन का एक आदर्श रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी डेंसिटी काफी कम होती है और मौजूदा इंजनों के लिए भी यह बेहतर नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बियर में मौजूद एथेनॉल को एक अलग तरह से इस्तेमाल करने का तरीका इजाद किया है, जो इंजनों के लिए उपयुक्त होगा।